चल जाता है वो दिए की तरह, कई जिंदगी रोशन कर जाता है। जल जाता है वो दिए की तरह, कई जिंदगी रोशन कर जाता है। कुछ इस तरह से हर उस्ताद अपना फर्ज निभाता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं प्राइमरी लर्निंग बाय सबा आज फिर आपके सामने एक न्यू वीडियो लेकर आई हूँ। और वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि अभी इस तरह के माहौल में ऑनलाइन क्लासेस शुरू है, और ऑनलाइन क्लासेस में हम टीचर्स डे आने वाला है, तो हम टीचर्स डे स्कूल में तो जाके नहीं मना सकते। हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम भी उनके लिए कुछ प्रोग्राम अरेंज करें। टीचर इतनी मेहनत करते हैं, टीचर इतनी मेहनत से पढ़ाते हैं ऑनलाइन क्लास में आकर। सब बच्चों को एक साथ ऑनलाइन क्लास में पढ़ाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एज अ टीचर मैं आपको बोल रही हूँ, जब मैं भी ऑनलाइन क्लास लेती हूँ तो मुझे पता है कि वो क्या क्या हमें फ़ेस करना पड़ता है, वो क्या क्या डिफ़िकल्टीज हमें फ़ेस करना पड़ता है जो हम स्कूल में जाके नहीं फ़ेस करते थे। हम आमने सामने जब हम बच्चों को पढ़ाते थे उस वक्त हमें इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती थी जितनी प्रॉब्लम्स हमें अभी आती है। टीचर्स को मैं हेड्स ऑफ करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि टीचर्स कितनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं और कितने अच्छे से पढ़ा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि ऑनलाइन क्लास में, वर्चुअल क्लास में हम टीचर्स डे को किस तरह सेलिब्रेट करें, टीचर्स डे हम किस तरह हमारी क्लास में मनाएं। तो यहाँ मैं आपको कुछ आइडियाज़ बताने वाली हूँ, और आपको अगर से कुछ आइडियाज़ आते होंगे तो प्लीज़ आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए मुझसे। ऑनलाइन क्लास में, वर्चुअल क्लास में टीचर्स डे को सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। आइडिया नंबर वन ये है कि आप टीचर की तरह ड्रेसअप होइए, टीचर की तरह ड्रेस पहनिए, और टीचर के लिए 4 या 5 लाइन कहिए, और टीचर को इस तरह आप वीडियो बना के शेयर कर सकते हैं, या फिर आप सोशल मीडिया पर भी टीचर से परमिशन लेके शेयर कर सकते हैं। अब मैं आपको आइडिया नंबर 2 बताती हूँ, आइडिया नंबर 2 बताती हूँ कि आप अपने क्लास के बच्चों से ग्रुप में बात करिए, और उन्हें कहिए कि चलिए अब हम एक वीडियो बनाते हैं टीचर के लिए। जैसा सबा मैम मुझे क्यों पसंद है, सबा मैम मुझे इसलिए पसंद है कि मैम हमें बहुत कम होमवर्क देते हैं, या फिर सबा मैम मुझे इसलिए पसंद है कि वो बहुत अच्छे से समझाते हैं। और उन्हें ये भी पता चलेगा कि उनके बच्चों को वो क्यों पसंद है, सबसे बड़ी बात, और टीचर को भी बहुत खुशी होगी। आइडिया नंबर 3 ये है कि हम बच्चों का एक ग्रुप बना सकते हैं, जैसे हमारे क्लास के बच्चे हैं तो, और उन्हें हम 1 by 1 बोल सकते हैं कि चलो आप थैंक यू टीचर का एक अल्फ़ाबेट लेके खड़े रहें। सब बच्चे अपने अपने हाथ में अल्फ़ाबेट लेके स्टैंड अप रहेंगे, और वो टीचर को बताएंगे। हम इस तरह का एक वीडियो भी बता सकते हैं, या फिर हम इस तरह की फ़ोटो को कोलाज करके टीचर को दे सकते हैं, तो टीचर को बहुत अच्छा लगेगा कि एक साथ सब बच्चे उन्हें इस तरीके से टीचर्स डे पे विश कर रहे हैं। टीचर आइडिया नंबर 4 ये है कि हम टीचर का रोल प्ले कर सकते हैं, जो स्टूडेंट को टीचर की हर बात पता है, टीचर किस तरह से बात करती है, टीचर किस कब हंसती है, टीचर कब पनिश करती है, किस बात पे टीचर को गुस्सा आता है, या फिर टीचर कब उन्हें अच्छी अच्छी बातें बताती है, या फिर लेसन समझाती है, जो भी टीचर की जो पॉजिटिव पॉइंट है आप टीचर को उस तरीके से बताइए, और उन्हें आप रोल प्ले कर सकते हैं। आइडिया नंबर 5 ये है कि हम टीचर के लिए पोयम लिख सकते हैं। बच्चे बड़े होंगे, अगर से वो हाई स्कूल में होंगे या फिर कॉलेज में होंगे, तो वो टीचर के लिए पोयम लिख सकते हैं, और अगर से छोटे बच्चे हैं तो अपने पेरेंट्स को कहिए कि हमें गूगल पे सर्च करके टीचर के लिए टीचर्स डे पे पोयम निकाल दे, तो पेरेंट्स आपके ज़रूर निकाल देंगे। तो आप उस तरह की पोयम भी हम टीचर को बोल सकते हैं, वीडियो दे सकते हैं, या फिर ऑनलाइन जब सेलिब्रेशन होगा तो हम बोल सकते हैं कि चलिए मैम मैंने आपके लिए एक पोयम तैयार की हूँ। आइडिया नंबर 6 ये है कि आप टीचर्स को अपने हाथों से ग्रेटिंग तैयार करके दीजिए। आप टीचर्स को ग्रेटिंग ऑनलाइन में बता सकते हैं कि टीचर हमने ये आपके लिए ग्रेटिंग तैयार किया, या फिर आप टीचर को ग्रेटिंग की इमेजेस भी आप उन्हें सेंड कर सकते हैं, तो टीचर बहुत खुश होंगी ग्रेटिंग भी देख के, कि उन्हें ये लगेगा कि अब मेरे बच्चों ने मेरे लिए अपने हाथों से इतनी अच्छी ग्रेटिंग तैयार की है। और आइडिया नंबर 7 ये है कि स्टूडेंट जो है वो ऑनलाइन में टीचर बन सकते हैं, उन्हें भी तो पता चले कि टीचर किस तरह कितना हार्ड वर्क करता है, उन्हें भी तो पता चले कि टीचर का क्या पेन है जब वो इतनी मेहनत से पढ़ाता है। तो बच्चे ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं,
अलग अलग लेक्चर्स ले सकते हैं, उर्दू के लिए अलग, फिर मैथ्स के लिए अलग स्टूडेंट पढ़ाएगा, तो उन्हें भी पता चले कि टीचर किस तरह से पढ़ाते हैं ऑनलाइन क्लास आकर। ये थे मेरे 7 आइडियाज़। उम्मीद है कि ये आइडियाज़ आपको ज़रूर पसंद आए होंगे, और ये आइडियाज़ के साथ आप टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, तो टीचर्स को ये हर टीचर को मैं तो यही कहूँगी कि हर टीचर को ये लाइफ लॉन्ग याद रहेगा कि ऑनलाइन क्लास में आके मेरे स्टूडेंट ने या मेरे बच्चों ने इस तरीके से टीचर्स डे सेलिब्रेट किए थे, क्योंकि ऐसा है कि ऑनलाइन क्लास ये हमेशा हमें याद रहेंगी, ये हमारे पास वीडियो सेव रहेगा। हम स्कूल जाते हैं हम वो सेव नहीं कर पाते हैं, बट हमारे पास ये सारी यादें सेव रहेंगी। तो ये मेरे पास आपके लिए 7 आइडियाज थे। और हाँ, आप इस टीचिंग कम्युनिटी पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए इस वीडियो को, और लाइक ज़रूर कीजिए, और उन फ्रेंड्स में शेयर कीजिए जिन बच्चों को आइडियाज़ नहीं पता है कि टीचर्स डे पे वो किस तरह सेलिब्रेट करें, ताकि उन्हें न्यू आइडियाज़ मेरी मिलते रहें। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो जो मैं न्यू डालती रहती हूँ एजुकेशन के, तो आपको ज़रूर ज़रूर मिले। चलिए, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, शुक्रिया।